आखिर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और दुनिया के पसीने छुड़ा दिए, इतनी ठंड में भी प्यास लग रही है, क्यों? ये समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। कितने लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर हलक सूख गया है, हलक सूख गया मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वर्ल्ड वॉर हो गई है, रशिया ने अटैक कर दिया है, घुस गया है, न्यूज चैनल वालों ने डराना शुरू कर दिया है, विजुअल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करे आम निवेशक, क्या करे? हमेशा वही डिसीजन दिमाग में आ रहा है यार कि बस बहुत हो गया यार, अब स्टॉक मार्केट नहीं करनी। पेरेंट्स ने कहा था स्टॉक मार्केट बर्बाद करेगी, दोस्तों ने कहा था खराब चीज है, जुआ है, सट्टा है। आज समझ में आ गया है कि भाई स्टॉक मार्केट जुआ है और मैं स्टॉक मार्केट को आज छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने आज डिसीजन ले लिया है कि मैं स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करने वाला हूँ, कोई पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कुछ भी कर लो यार वही सब होने चला जाता है। कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, फिर मार्केट में लगाता हूँ, कभी स्विंग करने की कोशिश करता हूँ, कभी ऑप्शंस करने की कोशिश करता हूँ, घूम फिर के एंड रिजल्ट नेगेटिव। भाई मैंने जब पैसा लगाया, मेरी मनुष्यत बाजार को ले डूबती है, मेरा ही पैसा मनुष्य है। जिस दिन मैं मार्केट में आ जाता हूँ ना, उसी दिन बाजार खराब हो जाता है। हेलो दोस्तों, क्या आपके भी दिमाग में ये सब सवाल चल रहे हैं? क्या आपको भी लगने लगा है कि आपका पैसा खराब है? क्या आपको भी लगने लगा कि आपने पैसा लगाया, आपने SIP स्टार्ट की, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और बाजार डूब गया? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को आज के बाद हाथ नहीं लगाना, कसम खा लिया छोड़ के चला जाता हूं, तो प्लीज स्टॉक मार्केट छोड़ने से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हर उस इंसान को जरूर दिखाइए, शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को सोशल मीडिया में, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट से निकलना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में दोबारा कभी ना आया जाए, जो दूसरों को डीमोटिवेट करेंगे, वो इस वीडियो को देख लें, उसके बाद डिसीजन लें कि क्या करना है। इस वीडियो में पूरा अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करें ऐसे टाइम पे, क्या ना करें और क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो के एंड होते होते आप पूरे चार्जअप हो चुके होंगे, आपका प्लान पूरा बन चुका होगा, आपकी पूरी प्लानिंग बन जाएगी कि आपको करना क्या है, क्या स्टॉक मार्केट छोड़ देना है या स्टॉक मार्केट में निवेशित रहना है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं, और चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा से मिलती रहे। उससे पहले आपके स्क्रीन पर एक मैसेज मैं दिखा रहा हूं, जो मैसेज मुझे मेरे ही एक स्टूडेंट ने भेजा, मेरे एक दोस्त ने भेजा, बहुत ही शानदार मैसेज है। गाइस हम मार्केट में ऐसी ऐसी कौन कौन सी घटनाएं देख चुके हैं, उनको मैं रीड आउट कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे वो चल रहे होंगे। पहले हमने कारगिल वॉर देखा, फिर हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक US में, फिर हमने इराक की वॉर देखी, वहां मार्केट क्रैश हुआ, मेगा क्राइसिस ऑफ 2008, सब प्राइम क्राइसिस, पूरा वर्ल्ड को ले डूबा, लेमन ब्रदर्स डूब गया, पूरे वर्ल्ड ने देखा। वहां पे क्या हुआ, निफ्टी 6000 से 2000, मतलब 6600 के आसपास से निफ्टी 2200 के आसपास आ गई थी, दैट वाज द बिगेस्ट क्रैश। उसके बाद हमने देखा यूरो जोन क्राइसिस, हमने देखा चाइना स्टॉक सेल ऑफ, हमने देखा, हमने वर्ल्ड वाइड कोविड सेल ऑफ देखा। व्हाट अ मैसेज, थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे मैसेज किया। और अब नाउ इट इज यूक्रेन वॉर, तो व्हाट आर यू थिंकिंग गाइस? अब ये समझ लीजिए कि हर सेल ऑफ के बाद में, हर मार्केट क्रैश के बाद में, देयर इज न्यू हाई विच मार्केट ऑलवेज क्रिएट्स, मार्केट इज बाउंड टू क्रिएट अ न्यू हाई, बट कौन कर पाएगा? आप लोग तो बाहर ही हो जाओगे ना, आप लोग तो डर चुके हो, आप तो मार्केट को बदनाम करके मार्केट से बाहर हो ही जाओगे, तो आप मार्केट में कैसा पैसा बनाने वाले हो? सबसे पहले समझ लेते क्या नहीं करना, क्या करना बाद में बताता हूं। पहले करना नहीं है आपको बाजार से एग्जिट। अगर आप बाजार से आज एग्जिट हुए तो आपकी ऐसी कमर टूट जाएगी, आप कभी जिंदगी में स्टॉक मार्केट की तरफ मुंह नहीं कर पाएंगे, और आप कभी हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में कुछ भी निवेश करने के लिए। आप सोचते रहेंगे कि मैंने 20 रुपए मेरा स्टॉक बेच दिया, आज 100 का हो गया, मैंने 100 पे बेच दिया, 500 हो गया। ये स्टोरी हर उस निवेशक की है जो मार्केट के पैनिक्स में, मार्केट के सेल ऑफ्स में, मार्केट के क्रैशेस में अपना माल बेच के चले जाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं कि भाई ये मेरे लिए नहीं बनाया। They don't focus on investment, they don't focus on learning, but क्या नहीं करना है? Exit नहीं करना है। दूसरी क्या चीज नहीं करनी है? लोगों में पैनिक नहीं फैलाना है, बिल्कुल भी लोगों को डराना नहीं है, बोलना नहीं कि भाई बाजार से बाहर हो जाओ, ये आप नहीं बना, ना खुद डरना है ना ही दूसरों को डराना है। अब करना क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इस बाजार को सीखना है। Yes, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, 20-25 लाख अपने पेरेंट्स लेके आते हैं, लोन लेते हैं, एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा करते हैं, वहां पे प्लान करते हैं कि हाँ इस बिजनेस को सीखेंगे, जूते का बिजनेस है या टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, किसी भी चीज का बिजनेस आप करने की सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि एक फूड शॉप खोलने वाले हैं, ग्रोसरी शॉप खोलने वाले हैं, आप सोचते हैं कोई रेस्टोरेंट डालने वाले हैं, तो आपको पता होता है कि बिजनेस कहां से आएगा, मैन पावर कहां से आएगी, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कैसे आप क्रिएट करेंगे चीजों को, कहां सेल ऑफ करने जाएंगे, कहां माल बेचने वाले, कहां मार्केट होने वाली है। जब वहां लर्निंग करते हैं, लोन कहां से आएगा, लोन का रीपेमेंट कैसे करेंगे,
करेंगे, कितना माल किस कैटेगरी में बेचना पड़ेगा, छोटी कैटेगरी के लिए माल कितना बनाए, बड़ी कैटेगरी के लिए कितना माल बनाए, तक सब चीजें अगर वहां करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, अगर आप बाजार से बाहर जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपने क्या गलती की है, सीखिए, समझिए, यूट्यूब को थैंक्स कीजिए, इतना सारा फ्री में मटेरियल अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर नहीं सीख सकते तो प्रोफेशनल क्लासेस जगह जगह होती है, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो सिखाते हैं, हमारी भी क्लासेस पूरे इंडिया में होती है और अब कोविड के बाद में हमारी क्लासेस फिर से ओपन होने वाली है। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट अस, बट ये वीडियो आपको क्लासेस के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं है, बट हाँ लर्निंग के लिए मोटिवेट करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, चाहे यूट्यूब से सीखें, किसी बुक से सीखें, किसी मूवी से सीखें, किसी से सुन के सीखें, या किसी को क्लासेस को पे करके सीखें, आपके ऊपर चॉइस इज योर्स, पॉकेट इज योर्स, टाइम इज योर्स। दूसरी चीज आपको सीखनी है मनी मैनेजमेंट। मैं हमेशा से कहता रहता हूं लाइव सेशंस में कि प्लीज पैसा स्पेयर रखिए, आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी उतना ही जरूरी है जितना आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपके पास में फिक्स डिपॉजिट्स नहीं है, बैंक्स में कैश नहीं है, तो जिस समय जरूरत होगी उस समय क्या करेंगे। आज मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूं, जैसा मैंने 7500 की निफ्टी जो कोविड 19 के टाइम पे मार्च में मैंने कहा था 2019 में कि मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है, मैं आज आपको फिर से कहता हूं कि मार्केट अपना बॉटम बहुत जल्दी बनाने वाली है। आपके पास क्या प्लान है, क्या आपके पास पैसा है? हमेशा से कहता हूं ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशंस। आज आप इमोशनल होकर बाजार छोड़ना चाह रहे हैं, फिर से रिग्रेट करने वाले हैं, फिर खराब समय बिताने वाले हैं कि भाई मैंने पैसा लगाया था डूब गया, बट नहीं, आज का समय है गलतियां देखने का। डोंट ट्रेड ऑप्शंस विदाउट लर्निंग गाइस, ऑप्शंस इज सुसाइडल। अभी देखो क्या हुआ होगा, बहुत से लोगों ने तुक्के में बहुत सारी पुट खरीदी होंगी, पैसा आ गया होगा, कांग्रेचुलेशंस, बट अगर आपको पता है पैसा क्यों आया है और आपने लर्निंग कर ली है तो फील योरसेल्फ एज लकी वन, कंसीडर योरसेल्फ एज लकी, और उस पैसे से अच्छा ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है। थैंक्स टू दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर की आपको फिर से वो भाव मिल रहे हैं जो आपके हाथ से मिस हो गए थे। तो गाइस एवरी फॉल, एवरी क्रैश, एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी। तो यहां करना क्या है, डरना नहीं है। जिस स्टॉक को आप पहले नहीं ले पाए उस स्टॉक की एनालिसिस कीजिए, क्या स्टील अथॉरिटी बंद हो गई, क्या इन्फोसिस बंद हो गई, क्या HDFC बैंक बंद हो गया, भाग गया, क्या रिलायंस भाग गया। जी नहीं, अगर वो कंपनीज नहीं भागी हैं तो दिस वॉर क्राइसिस एंड द इफेक्ट ऑन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ दिस वॉर इज जस्ट टेम्पररी। ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने भर में सेल ऑफ सेट ऑफ हो जाएगा। ये सेल ऑफ सेट ऑफ अगर नहीं होता है तो भी क्या होगा, बाजार ने 16,000 का लो लगा दिया, 16,200 के आसपास का लो आज लगाया है, बाजार नेक्स्ट सपोर्ट 16,000 के आसपास ढूंढने की कोशिश करेगा, उसके नीचे जाएगा तो 15,000 से 15,500 के बीच में सपोर्ट लेगा, उसके नीचे एक सपोर्ट है 12,000 का। आप कहेंगे सर कैसी बातें करते हो यार, 16,000 से 15,000, भाई 18,500 से 16,000 आ गया तो आप क्या कर पाए, तो 16,000 से अगर 14,000 आ जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप सिर्फ एवरेज कर सकते हैं। तो आपके पास स्पेयर पैसा होना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि भाई मैं अगर स्टील अथॉरिटी 120 में लिया था, 100 रुपए आ गया है, बेच देता हूं, शायद 80 में वापस एंट्री कर लूंगा, ठीक है, तुक्का अगर सही हो गया तो आपको मजा आने वाला है, अगर तुक्का सही नहीं हुआ, यहीं से अगर चीजें यूटर्न होगी तो आपके हाथ से चीजें छूट जाएंगी। तो रादर देन सेलिंग योर इक्विटी एट द लोज एंड इन द क्राइसिस टाइम एंड द वॉर टाइम, आपको बजाय के माल बेचने के आपको माल को और खरीदना है, इकट्ठा करना है। बड़े निवेशक क्या कर रहे होंगे, बड़े इन्वेस्टर्स लाइक राकेश जुनवाला, वॉरेन बफेट क्या कर रहे होंगे, ये सभी बड़े निवेशक एक मौके की तलाश में है। ये मौका ऐसी ही वॉर सिचुएशंस में, कोविड के पैंडेमिक्स में उनको मिलता है और फिर से वो लखपति करोड़पति बनेंगे, करोड़पति अरबोपति बनेंगे, अरबोपति और अरबोपति बनने वाले हैं। तो यहां पे अ मिलियनेयर विल बिकम बिलियनेयर, अ बिलियनेयर विल बिकम मल्टी मिलियनेयर और मल्टी बिलियनेयर। तो आपको क्या करना है समझ में आ गया होगा, यहां पे डरना मना है और यहां पे अपनी चीजों के एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए, अच्छी थीम्स को पिक कीजिए, सोचिए कि यहां पे सबसे पहले क्या भागेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से सेक्टर, कौन से शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं, उनको वैल्यू बाइंग समझ के, वैल्यू पिकअप समझ के यहां पे बाय करने की कोशिश कीजिए, एवरेज आउट कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। यहां पे दोस्तों से पैसा मांगना है, रिश्तेदारों से पैसा मांगना है, मैं हमेशा से कहता हूं कर्ज नहीं लेना, बट अगर ऐसे टाइम पे अगर आपको कुछ ऐसा इजी मनी मिल जाए कि जैसे आईपीओ वाले क्या करते हैं, आईपीओ वाले कहते हैं कि दुनिया को कहते हैं भाई मेरा शेयर ले लो, अगर कोई स्कीम अपने लिए बना सकते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए साल भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट डैडी से हो सकता है, मम्मी से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है, भाई बहनों से हो सकता है, रिलेशनशिप से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बैंक से फ्री में नहीं मिलेगा। तो फ्री का मनी कुछ अरेंज कीजिए जो साल भर के लिए कम से कम पार्क कर सके अच्छी इक्विटीज के अंदर में, अच्छी निफ्टी 50 की इक्विटीज में, निफ्टी नेक्स्ट की इक्विटीज में, थीम्स पे जाने की कोशिश कीजिए, ऐसे स्टॉक्स में निवेश कीजिए जहां पे पैसा बन सके, और जब अपने रिश्तेदार को, दोस्त को वो पैसा रिफंड करेंगे, रिटर्न करेंगे थोड़े से रिवार्ड के साथ में, बेटर देन बैंक, देन दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू वंस यू नीड देम ड्यूरिंग सच क्राइसिस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मोटिवेट करने में कामयाब हुआ हूं। आप भी मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो जस्ट प्रेस द लाइक एंड मूव अहेड।
दोस्तों मेरे चैनल पे आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। आज कमोडिटीज की वीडियोस हमने स्टार्ट कर दी हैं, जो दिन में 3:30 पे आया करेगी। कल से ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया था हमने और आज कमोडिटी बिल्कुल वैसा की वैसे चली है। हम लाइव सेशंस मार्केट में डेली कर रहे हैं, हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो ये सारे कंटेंट आपको मिले, आप मुझे फेवर करें, मैं आपको फेवर करूं, उसके लिए सिर्फ आपका लाइक, आपका सपोर्ट, आपकी प्रेजेंस ऑन माय चैनल इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप बने रहें, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसे आप भी ग्रो करते रहिए और मुझे भी ग्रो कराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, डरना मना है।